हेलो दोस्तों आसलानी एक्स की एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है आज का हमारा वीडियो है टॉप टेन डॉक्टर डूम फैक्ट्स जो आपका जानना जरूरी है क्योंकि मार्वल ने डॉक्टर डूम को अपना नया बिग बिजली अनाउंस कर दिया है एंड बहुत ही जल्द वो हमें मूवी में भी देखने को मिलने वाला है तो उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है तो आज हम जानेंगे डॉक्टर डूम की कॉमिक्स में क्या क्या फीड रह चुका है उसकी पावर्स लिमिट कितना है एंड इसी के साथ साथ मार्वल के दूसरी कैरेक्टर्स जैसे की डॉक्टर स्ट्रेंच आयरन मैन वा एंड जो भी एम में एग्जिस्ट करते हैं इन कैरेक्टर्स के साथ डॉक्टर डूम की हिस्टोरी क्या रह चुका है ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो इसीलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना तो बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं स्पेडोमैन हेल्प टू डिफीट डॉक्टर डूम सीक्रेट वर्स में जब डॉक्टर डूम बैटल वर्ड बना के उसका गॉड बना था पीटर एंड माइल्स मोरलिसम को हराने की रास्ता ढूंढते हुए उसका पॉवर सोर्स तक पहुँच जाता है एंड वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है मोलिक्यूल एंड जैसा की हम जानते हैं मोलिक्यूल मैन के अंदर मल्टीपल क्रोन रहने के चलते वो हमेशा भूखा ही रहता है एंड इसी का फायदा उठा के माइल्स मोरलिस उसे एक बर्गर दे के अपने तरफ कर लेता है डूम को हराने के लिए एंड अब जबकि लाइव एक्शन मूवी में टूनिस्टा के चेहरे वाला पर्सन डॉक्टर डूम बन के आएगा तब टोनी एंड पीटर के बीच जो मेन एंड मेंटी वाला रिलेशन है वो चेंज होने वाली है पीटर को रियलाइज होगा अब उसका मेंटर को रोकना ही पड़ेगा एंड इसीलिए अगर ये स्टोरी को फॉलो किया जाए एंड पीटर का हाथ रहे डॉक्टर डूम को हराने के लिए तो ये बहुत ही इमोशनल सीन होने वाली है आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन फैंस के लिए डॉक्टर डूम एंड फैंटेस्टिक फोर तो डॉक्टर डूम एंड फैंटेस्टिक फोर की रिलेशन कॉमिक में बहुत ही क्लोज है एक्चुअली डॉक्टर डूम की ओरिजिन फैंटेस्टिक फोर के अलावा कम्प्लीट नहीं हो सकती जहाँ वो मिस्टर फेंटास्टिक से जलता है एक रीजन रीड उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है एंड दूसरी तरफ उसके लव इंटरेस्ट सुजन स्ट्रोम जो रीड ऐसी प्यार करती है तो इसके चलते डूम रीड ऐसी बदला लेने के लिए अपना बैटल वर्ल्ड बनाने के बाद उसे रियलिटी ऐसी इरेज करने के बाद उसकी बीबी को अपना बीबी एंड उसके बच्चे को अपना बच्चा बना लेता है तो सोच सकते हो कितना हरामी है ये बंदा डूम स्विच बॉडी विथ टोनी तो इस कॉमिक में भी डॉक्टर डूम की ओरिजिन बचपन से सेम होता है लेकिन यहाँ रीड के जगह उसका कॉम्पिटेटर होता है टोनी स्टार्क जो बहुत ही अमीर है एंड हमेशा लड़की के साथ मस्ती करने के बावजूद विक्टर से आगे रहता है जिसके बाद वो टोनी से दोस्ती करने के बाद दोनों का सोल एक्सचेंज कर देता है जिसके चलते विक्टर बन जाता है टोनी स्टार्क एंड टोनी स्टार्क बन जाता है विक्टर भान डूम डॉक्टर डूम डिफीट द व्हाइट तो व्हाइट के बारे में अगर नहीं जानते तो बता दूं जैसे बैनर की पर्सोना है हल्क वैसे सेंट्री का पर्सोना है दी व्हाइट जो एक डार्कनेस मतलब नेगेटिव कैरेक्टर है एंड इसे अकेला हराना किसी भी सुपर हीरो के लिए नेक्स्ट टू इम्पोसिबल है लेकिन कॉमिक में डॉक्टर डूम इसे अकेला हरा उसका पावर्स भी एब्सॉर्ब कर लेता है डूम हैज पार्लियामेंट ऑफ डूम्स तो जैसे कि हम क्वॉन्टा में कैंकी पूरे वेरियंट्स को लेकर कैंक काउंसिल देखा था एक वैसे ही डूम के सारे वेरियंट्स को लेकर एक पार्लियामेंट है जो मेन यूनिवर्स के डूम लीड करता है ओल्ड किंग थॉर वर्सेज डूम तो मार्वल के एक अल्टरनेट रियलिटी में जहाँ टाइम का एंड होने का होता है आप बहुत ही गिने चुने लोग ही बचते हैं जैसे की ओल्ड किंग थोर्न लोकी ओल्ड मैन फिनिक्स एंड डॉक्टर डूम ये वाला डॉक्टर डूम भी एक गॉड है एंड इसे आप डूम की सेकेंड मोस्ट पॉवरफुल वेरियंट भी कह सकते हो जो आयरन फिस्ट की पॉवर आई ऑफ आगामोटो एंड घोस्ट राइडर की स्पीड ऑफ वेंजन के साथ साथ बहुत सुपर हीरो की पावर्स एब्जॉर्ब कर लिया था एंड आप इसकी पावर्स के अंदर इसी बात ऐसी लगा सकते हो लोगन के मरने के बाद फिनिक्स थॉर के पास चला जाता है लेकिन थॉर के पास सेम टाइम भी ओडिन फोर्स एंड फिनिक्स फोर्स रहते हुए भी डूम की इस वेरियंट को हारने के लिए सौ सालों ऐसी भी ज्यादा टाइम लग गया था डॉक्टर डूम मैरी विथ वॉन्डा तो भाई जैसे कि हमने जाना डूम हरामी के साथ साथ थर्की भी है वो अपना मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है चाहे वो किसी और बेबी को अपना बनाने जैसा नीच काम भी क्यों ना हो लेकिन ये स्टोरी में होता यह है की वोंडा की मेमोरी चली जाती है एंड वो डॉक्टर डूम के पास मदद के लिए जाती है एंड डूम उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है ताकि वो वॉन्डा की पावर्स को ले सके तो अब सोचो लाइव एक्शन मूवी में अगर टोनी डॉक्टर डूम बनता है एंड रिसेंट टाइम में वांडा भी जिंदा है एंड बेबी बॉर्न करने की इच्छा में भी है तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को उस एक्सीडेंट के बाद अगर इन दोनों का केमिस्ट्री दिखाए तो क्या ही सीन होगा एंड ये बात मेक सेंस भी करेगा क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें उसे मरते हुए नहीं दिखे तो भाई स्टोरी बनने की चांस है। तो है डूम किल तो सीक्रेट वॉर्स में जब सारे कैरेक्टर्स डूम के खिलाफ बगावत शुरू कर देता है तब डूम अकेला पड़ जाता है एंड इसका फायदा उठाकर है डूम को मारने पहले तो डूम समझने की कोशिश करता है मगर फिर भी थे पंगा लेता है फिर वो की छाती में हाथ डालकर उसके स्केलेटन को बाहर निकल देता है एंड एक ही झटके में की डेथ हो जाती है डॉक्टर डूम टीम अप डॉक्टर स्ट्रेंज स्ट्रेंच सीक्रेट वॉर्स के एक इवेंट एग में जब डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क मैजिक यूज करने के चलते थोड़ा सा करप्ट हो जाता है तब उसका टीम मतलब एवेंजर्स उसे निकल देता है क्यूँकी इनकर्स के टाइम वो बहुत ही ब्रुटे लोगों को मार रहा था हालांकि उसका इंटेंशन सही था मगर डार्क मैजिक धीरे धीरे उसको कंट्रोल कर रहा था देन स्ट्रेंज डॉक्टर डूम ऐसी हाथ मिला लेता है देन डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मोलिक्यूल मैन मिलकर बियनर को डिस्ट्रॉय करके उसकी पावर एब्जॉर्ब कर लेता है एंड बैटल वार्ड बनाने के बाद डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना सुपर एडवाइजर रखता है डॉक्टर डूम की पावर्स तो दोस्तों तुम मुझे बताओ अब तक एक्सप्लेन में, में सबसे पावरफुल चीज क्या थी आंसर आएगा फिनिक्स फोर्स एंड एमसीयू में सबसे पावरफुल थिंग इन्फिनिटी स्टोन तो अब अगर बात की जाए हॉटिफ सीरीज की तो हॉटिफ सीरीज में सबसे पावरफुल थिंग है डॉक्टर स्ट्रेंज जो डार्क मैजिक को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकता था लेकिन जब तीनों एक साथ गॉड डूम के साथ लड़ा था जहाँ ब्लैक पैंथर के पास इन्फिनिटी स्टोन एंड साइक्लॉप के पास फिनिक्स फोर्स एंड वही डॉक्टर स्ट्रेंज लेकिन इन सब के बावजूद गॉड डूम उन्हें इजिली हरा देता है तो इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो डॉक्टर डूम उस वक्त किस लेवल पर पावर कैरी कर रहा था एंड इसीलिए डॉक्टर डूम की इस वेरियंट को द मोस्ट पावरफुल वेरियंट ऑफ डॉक्टर है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इसके अलावा अगर आपके पास कोई डॉक्टर है तो कॉमेंट में जरूर एंड इसके बाद आप कौन से सुनना चाहते हो वो भी कॉमेंट में जरूर बताना तो मिलते हैं अगले वीडियो में